दोस्तों ये बात तो बहुत ज़ोर शोर से कही जाती है कि प्रेषित जो है वो सबके लिए, लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि प्रेषित सबके लिए क्या है, वो हमारे लिए क्या है। तो इसके बारे में पवित्र कुरान में ये कहा गया कि तुम्हारे पास तुम्ही में से एक रसूल आ गया, वो हम ही में से है, यानी वो मानव जाति में से है, वो कोई अवतार नहीं है, वो कोई फरिश्ता नहीं है, बल्कि वो हम जैसा एक इंसान है। इसलिए कि एक इंसान ही दूसरे इंसानों के लिए आइडियल हो सकता है। और उसकी दूसरी क्वालिटी ये है कि वो जो है हमारा मुश्किल में पड़ना उसके लिए असहाय है, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो इससे व्याकुल हो जाता है। जब हम मुश्किल में पड़ते हैं तो वो उसके लिए व्याकुल हो जाता है, और वो हमारे लिए ललायत है, हमारे लिए वो उसके अंदर ग्रीड है कि हम जो है वो किसी न किसी तरह अपना काम को फ़ायदा पहुंचाएं, हम किसी न किसी तरह अपने आप को कामयाब करें, हम किसी न किसी तरह अपने जीवन को सफल बनाएं, इस चीज़ की लालसा उसके अंदर है। और वो जो है वो श्रद्धालु लोगों के लिए जो श्रद्धा रखते हैं उस पर, उनके प्रति वो बहुत करुणामय है और बहुत ही दयावान है। तो जो व्यक्ति हमारे लिए दयावान हो, जो व्यक्ति हमारे लिए करुणामय हो, जिसके अंदर हमारे उद्धार की लालसा हो, और जो हमारे मुश्किल में पड़ने से परेशान हो जाता हो और व्याकुल हो जाता हो, वो हमारा अपना नहीं तो कौन है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि प्रेषित जो है वो सबके लिए है, सब मानव जाति के लिए।